बैठे थे और श्रीमती मधु मंजरी मेहता जी जो कि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके कई साथी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी, कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, राष्ट्र कमेटी के सदस्य, जिला के इनकी यूनिट, सभी लोग जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। आरएलएसपी में एकमात्र केवल अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी ही बचे हुए हैं, बाकी पूरी टीम जो है राष्ट्र की कमेटी प्रदेश के, जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव भी आ गए तो पूरी पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि विलय कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल में। चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे बुद्धदेव चौधरी जी हमारे पार्टी में आए थे, उनको टिकट मिला था और भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी, आप सब लोगों को अगर याद हो तो लालू जी को भी वो सलाह देते थे कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, नीतीश जी अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। ठीक बाद में उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा विगत की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पा रही, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। तीसरी बात आप लोगों को याद होगा, चुनाव में उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया था कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच बोलने का काम किया, अभद्र भाषा का इंतजाम जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय नीतीश कुमार जी के ऊपर लगाया था, इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा गया था। लेकिन ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, अब बात यह है कि अब इनके जितने पुराने साथी पदाधिकारी नेता सभी लोगों का जो विलय जो है राष्ट्रीय जनता दल में हुआ है और सभी नए साथियों का हम जो है राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करने का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी को जो है भारी मजबूती मिलेगी और कई प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इसमें शामिल, जैसे कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी पूरी युवा टीम हो गई, तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से अब पार्टी में जो है कोई बचा नहीं है सिवाय उपेंद्र कुशवाहा। हम इस पर ज़्यादा कुछ और टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बैसाखी पर, नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है, हम तो कहते हैं चौथी नंबर की पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तीसरी नंबर की पार्टी उनको बनाने का काम किया था और तीसरी नंबर पार्टी का भी बिहार में मुख्यमंत्री है। कल भी हमने कहा था कि पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जितना बेबस, कमजोर, लाचार, असहाय मुख्यमंत्री पूरे देश ने नहीं देखा हो।
लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। लगातार शराब की बिक्री हो रही है लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, शराब की बात हो, बिहार में विकास जैसे है ठप हो चुका है इस डबल इंजन की सरकार। चाहे शिक्षा हो, रोजगार की बात हो, हर तरीके से पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अब देखिए, ये नीतीश जी का ये दिन आ गए कि जिनको नीच कहते थे आज उनको ही पार्टी में लाने की बात कही जा रही है। तो मसला क्या है वो लोग बताएंगे, लेकिन पूरी जब टीम ही जब वापस आ चुकी है तो हम लोग सब लोग मजबूती के साथ जो है मौजूदा सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। साथ में ही हमने आरोप लगाए थे कि कई ऐसे अपराधी गण हैं जो जनता दल यूनाइटेड में हैं, और आप लोग याद कीजिएगा विधानसभा में भी हमने कहा था कि कई ऐसे सदस्य यहाँ भी बैठे हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जो है संरक्षण देने का काम करती है, सभी को संरक्षण दिया। सृजन घोटाला हो या कोई घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, आप सब लोगों ने देखा अगर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते लोग तो सही कार्रवाई नहीं होती। कुछ दिन पहले कल जो है मंत्री के यहाँ शराब पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं की। एक मंत्री के भाई जो हैं वो खुलेआम सरकारी उद्घाटन करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपालगंज से एक विधायक आते हैं सरेआम, उन्होंने ट्रिपल मर्डर किए, कई अपराध किए, यूपीए पुलिस की एसटीएफ ढूंढ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वही पश्चिम चंपारण का तरफ से वहां के विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और फरीदपुर सिंह, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रिंकू सिंह जी ने एक हत्या करने का काम किया, और आज हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक कुर्सी यहाँ लगवा दीजिए, आइए बैठा दीजिए। इनकी धर्म पत्नी जो है जिनकी हत्या हुई थी, स्वर्गीय दयानंद वर्मा जो कि पूर्व जिला पार्षद है, 14 फरवरी को धीरेन्द्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं उन्होंने हत्या किया, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई धर पकड़ नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले दयानंद वर्मा जी की धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य हमसे मिलने आए थे, और हमने कहा था कि आपको जो है इंसाफ दिलाने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा बल होगा, जो प्रयास होगा अपराधियों को पकड़ने में हम पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। अब हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला है, विधायक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही है असली जंगल राज, जहाँ सरकार और सत्ता जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राक्षस राज में जो है राक्षस जो सरकार चल रहा है उसमें पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। पुलिस का एनकाउंटर होता है, शराब माफिया करते हैं, लेकिन क्या ठोस वजह है, गिरफ्तारी है, वो अभी तक धरपकड़ नहीं हो पाता है। तो आज धर्मपत्नी जी हमारे साथ हैं जिनकी हत्या हुई, हम चाहेंगे उनसे कि आप लोगों के सामने जो है कुछ शब्द आप लोगों को अपनी बात को बंद रखने का काम करें। मेरे पति दयानंद वर्मा जो पूर्व जिला पार्षद थे, 14 फरवरी के शाम 7:15 बजे के करीब रिंकू सिंह विधायक और शकील राम जिम्मेदार उसके अपने दो चार आदमी के साथ आकर उसे थोड़ा देर धरपकड़ किया। पुलिस के मौजूदगी में मेरे आंखों के सामने उन पर गोली चला दी गई, विधायक की अनुमति से वो बोला मार दो गोली, और उन पर गोली चला दी गई। मैं वहीं खड़ी थी, पुलिस की मौजूदगी में उन पर गोली चली।
नौरंगिया थाना का पुलिस वही खड़ी थी, उनको धर थोड़ा सा धर पकड़ दिया लोग, उसके बाद वो गिर गए। गिरने के बाद विधायक बोला कि मार दो अब साले को, गोली मार दो साले को, और उन पर गोली तुरंत गोली चल गई। इसके पहले तो मैं कुछ समझ पाती, उनको मार दिया। और मैं चारों तरफ सबके सबसे गुहार लगाती रही, चारों तरफ चिल्लाती रही, पुलिस एसपी साहब सबके सामने में चिल्लाती रही, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक शकील नाम का जो ठेकेदार था वो आत्मसमर्पण किया है, एक जो था बबलू जायसवाल उसको घटनास्थल पर वहाँ का पब्लिक उसको पकड़ ली, पकड़ के मारपीट किया, फिर उसको पुलिस के सामने उसको सुपुर्द कर दिया। वो विधायक का गाड़ी का नंबर वहाँ से लोगों ने नोच लिया, नोच के वो भी पेपर में भी आया, पुलिस को भी देखा, लेकिन विधायक की अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं। ये है मेरे पति जो है उसे सब मैं लेकर आई हूँ वहाँ का सब कुछ। अभी तक सबसे मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे पति का हत्या हुआ, खुद विधायक जदयू विधायक था धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह खड़ा होकर उनको गोली चलवाया है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर दर बदर इधर उधर ठोकरे खा रही हूँ। मेरे वही एक गार्जियन थे, मेरा दूसरा कोई नहीं है, और लेकिन मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो बहुत उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ से मुझे तो उम्मीद है कि शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। चारों तरफ मैं भटक रही हूँ, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। 14 फरवरी से आज 12 तारीख हो गया, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं मैं कैसे लाई हूँ, वो सब कुछ लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी बोल रहा है कि कोई गवाही नहीं दे रहा, जबकि वहाँ का लोग सफा किए, पैदल मार्च निकालने के लिए किए जी। सकते हैं कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा महिला है, और इनका ठीक कहना है कि ये खुद ही वहाँ मौजूद थी जब ये घटना हुई थी। इनके सामने जो है इनके पति की हत्या कर दी गई, लेकिन कोई जो है कार्रवाई सरकार ने अब तक नहीं की। इन्होंने ये भी कहा कि दर बदर भटकते भटकते कई जगह ये पहुँचने का काम की, चाहे एसपी हो या और कोई अधिकारी हो, लेकिन इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नीतीश कुमार जी के दबाव में सभी अधिकारियों ने काम किया। अब इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ सुशासन नाम की चीज़ बिहार में कुछ नहीं। सवाल तो उठेंगे नीतीश कुमार जी से, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, उनकी ही जवाबदेही है। अब हम लोग चाहते हैं सदन में भी ये मसला, कई मामलों हम लोग जब उठाते हैं, हम लोगों का काम है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और जो लोग हैं उनको न्याय दिलाया जाए, लेकिन सरकार जो है लगातार हाउस में गंभीर नहीं रहती है, जवाब देने से बचती है, कुछ बोलती भी है तो झूठ बोलती है। इसलिए हम लोगों का पूरा, और विधानसभा भी चलेगा तो इस मामले को हम लोग उठाएंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनकी हत्या हुई उनके परिजनों को जो है न्याय मिलना चाहिए। जब इन्होंने देखा है, साक्ष हैं, ये पीड़ित महिला है, आखिर क्या वजह है? सब कुछ बोलने के बाद भी, कहने के बाद भी, देखने के बाद भी, सबूत होने के बावजूद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है जो शराब जिनके हाथ से पकड़ा गया। सृजन घोटाले वाले जो अपराधी हैं, प्रिया और मनोरमा देवी के जो बेटे, अब तक गिरफ्तारी नहीं। आखिर क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं से इनको, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है, और बचाने वाला और कोई नहीं, केवल नीतीश कुमार जी। इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने सोचे कि इस सारी चीज़ों को रखना चाहिए। हमारे पास आई थी, हमने कहा था कि भाई ये बात है तो सब लोगों के सामने आप कहिए, हम आपका साथ देंगे। और आज आपने जो है इन्होंने आप लोगों के सामने की बातें रखी हैं, और कोई सवाल आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले तो न्याय मिलना चाहिए ना।
और जो संरक्षण दे रहा है कौन संरक्षण दे रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि बचाव कौन रहा है, किसके कहने पे पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो आज दो चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक तो भाई वीरेंद्र जी अपने सभी साथियों के साथ रुलसपा का विलय केवल उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके उनको बाहर करके पूरी यूनिट जो है राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दी, और दूसरा जो रिंकू सिंह जो विधायक हैं जो हत्या का आरोप लगा है और जो पीड़ित महिला हैं जिनके पति की हत्या हुई है, आज आप लोगों के सामने इंसाफ की गुहार मांगने का काम किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है इन सारी चीज़ों को, इस भली महिला को इंसाफ दिलाने का काम करें। बहुत बहुत लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम लोग तो लगातार उठा रहे हैं, और आपको तो हमने पहले भी बताया कि हमने तो सदन में भी कहा कई ऐसे सदस्य हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। वो कौन से दल से शराब पी के डांस करते हैं, ठुमका लगाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, हत्या कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, शराब का पूरा स्टॉक करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आखिर कार्रवाई होगी किसी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।